मैं आपको फालूदा बताऊंगी वीकफील्ड का, वो घर पे हम लाते हैं जो रेडीमेड वाला, रेडी टू मील्स वाला, वही बताऊंगी मैं आपको। मैंने दो तरीके से बनाया, एक केसर पिस्ता फ्लेवर और एक वैनिला फ्लेवर से। तो चलिए इसे बनाते हैं। आज मैं आपके शेयर करने वाली हूँ वीकफील्ड की फालूदा मिक्स की रेसिपी। तो हम सब लोग इसे बनाते हैं, ये इजी टू मेक है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसे बनाना है। मैंने एक पैकेट फालूदा मिक्स ले लिया है और साथ में मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, इसे बॉईल कर लिया है। मिल्क बॉईल हो गई है अच्छे से, अब हम इसमें पूरे पैकेट को ऐड कर देंगे। और इसे चलाते रहना है लगातार जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए, हाई हीट में इसे पकाता रहना हमें। मैंने एक विस्क की मदद से इसे चलाया है ताकि अगर कहीं पे भी कोई लम्स हो तो वो ना पड़े इसमें। हाई हीट में मैंने करीब 2 मिनट तक पका लिया है इसे। अब हम लो को फ्लेम, आंच को लो फ्लेम कर देंगे, लो कर लेंगे और अब इसे कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये मिक्सचर गाढ़ी ना हो जाए। सबसे खास बात यह है कि इसमें शुगर ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है हमें, ये रेडी टू यूज है। फालूदा को कुक करते हुए 15 से 20 मिनट हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडी होने देंगे। जैसे ये ठंडी हो जाएगी फिर हम फ्रिज में इसे डालकर सेट होने देंगे 2 से 4 घंटे के लिए। फ्रीज़र में बिल्कुल ना डालें, बस फ्रिज में ही रखें और जब चिल्ड हो जाए तब हम इसकी सर्विंग की तैयारी करेंगे। फालूदा देखिए सेट हो गई है, फ्रिज में मैंने रख दिया था इसे 10 घंटे तक। ये बहुत गाढ़ी भी हो गई है ठंडी होने के बाद। तो अब हम ग्लास लेंगे और इसमें सबसे पहले हम फालूदा पोर करेंगे। अब इसमें जाए, मैंने सोक करके रखा था चिया सीड्स को 10 मिनट्स पहले, तो हम थोड़ा सा चिया सीड्स में डाल देंगे और एक मिक्स दे दें चिया सीड्स डालने के बाद। और अब जाएगा इस पर आइसक्रीम, अपने पसंद की कोई भी आइसक्रीम डाल सकते हैं। आइसक्रीम डाल दिया, अब हम नट्स डालेंगे इसके ऊपर से। मैंने आमंड पिस्ता लिए हैं और वॉलनट्स लिए हैं, ये इसके ऊपर जाएगा। और अब आप किसी भी कोई भी सिरप यूज कर सकते हैं, मैं रोज सिरप ले रही हूँ और मैंगो सिरप मैंने डालूंगी इसमें। फ्लेवर के लिए हम मैंगो सिरप डालेंगे। अब गार्निश करेंगे चेरीज के साथ और इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करें, कूल कूल। मैंने एक और ग्लास बनाया है, अब इसमें हम वैनिला आइसक्रीम डालेंगे। इसी तरह से हम नट्स डालेंगे। मैंने वैनिला आइसक्रीम इसमें डाल दिया है, ऊपर से नट्स भी है। अब इसमें रोज सिरप, मैंगो सिरप और ये चेरी। फालूदा बिल्कुल रेडी है, आप भी घर में वीकफील्ड का फालूदा ला सकते हैं और इतनी आसानी से बनाएं और मजा लें समर का।